वेलकम बैक गाइज, और अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है नंदन कानन। हम लोग वहां जाएंगे और हम लोग सवारी करेंगे मो बस में, जो कि एसी बस है, बगल में ही स्टैंड है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं मो बस स्टैंड पहले। तो ये है मो बस का स्टैंड और हम आपको बता देंगे कि कौन सा बस जाता है नंदन कानन डायरेक्ट। तो गाइज अभी जैसे कि हम लोग बस में आ चुके हैं और ये बस जा रही है 12 नंबर नंदन कानन के लिए। एक जन का टिकट जो है वो 30 रुपीज का पड़ेगा ओनली। तो चलिए नंदन कानन में जाके आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक गाइज, और अब हम आ चुके हैं, आपके सामने है नंदन कानन जो जू है भुवनेश्वर में। हम वहां पर आए हैं और आपको मैं दिखाऊंगा भुवनेश्वर का जू जो सबसे बड़ा है। गाइज आप देख सकते हैं ये है लेआउट मैप ऑफ जू जूलॉजिकल पार्क, जहां पर आपको टोटल चीज दिखाई दे रहा है। आप यहां से पूरा घूम सकते हैं, आप गाड़ी में भी घूम सकते हैं। पर पर्सन का 80 रुपया लगता है, 80 रुपया पर पर्सन का। और यहां पर आपको सफारी मिलेगा, ये सफारी मिलेगा, सफारी का अलग प्राइस लगेगा और ये घूमने का प्राइस अलग है। ट्रेन अभी फिलहाल बंद है, यहाँ पर ट्रेन आप नहीं घूम पाएंगे। यहाँ पर हर चीज मिलेगा, टाइगर से लेके एवरीथिंग यू विल गेट। अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और ये आप देखो कब से है, ये 29/12/1960 में है और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट जू है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। लग रहा है एक फैमिली का, जैसे मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, आपका लग रहा है टोटल 1230 रुपए में इंक्लूडिंग जंगल सफारी। आई थिंक इट्स वर्थ इट है। और ये हमारे गाइड हैं, ये हमारे संग रहेंगे। सर आपका नाम? लिपू। और ये नो प्लास्टिक एरिया है, तो यहाँ पर प्लास्टिक आपका जमा ले लेंगे। इसका ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्लास्टिक का सामान आप ना लाएं। तो चलिए अब हम लोग एंटर करते हैं। पूरे जू की एक खासियत है यहाँ पर कि ये बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत ही क्लीन है। तो ये देखिए यहाँ पर फाउंटेन है, स्टार्टिंग में ही आपको मिल रहा है। और ऊपर में देखिए शेर बना हुआ है। इतना बड़ा है कि मैं इतना लंबा लंबा वीडियो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के आप लोगों को दिखा पाऊंगा। देखिए ये हमारा है गाड़ी जिसमें हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही सही बनाया है। बारिश हो रही है, ये देखिए बहुत सही बनाया है। आप लोग देखते रहिए कितना सुंदर बनाया है। यहाँ ये 200 हिरन है दो, और ये इन्होंने भी जो कहा कि इनके सिंग वापस आते हैं। देखिए सर ये जो भेलवेट कपड़ा से छोटा सा सिंग, हाँ हाँ, ये अभी जो सिंग नीचे गया, हाँ ये नया सिंग सर, ये नया सिंग है। देखो सिंग वापस आता है, इसका मतलब टाइम हो गया। ये सोना हिरन है, सोना हिरन है ये, क्या बात है। क्या बात है, देख पा रहे हैं गाइज आप लोग। गाइज आप लोग जो आगे देख पा रहे हो वो है नील गाय, उसके पीछे जो है वो है ब्लैक बग। ये सर ओमनिवोरस चिकन, ये देखिए ये स्क्वेरल स्क्वेरल बंदर है जिसका नाम है विश्व सुंदरी बंदर। लिपस्टिक नल पॉलिश सब लगा हुआ है, देखिए ये देखिए। उसका वेट रहेगा 1 किलो, उससे बड़ा होगा नहीं, 1 किलो से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। दुनिया का सेकंड स्मॉलेस्ट जानवर, फास्ट जानवर नहीं सर, मंकी फास्ट मैमस। उसके बाद ओनली सिर्फ 500 ग्राम का है, ओनली 500 ग्राम। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है इट्स ओनली 400-600 ग्राम ओनली। ये देखिए सर अभी देखेंगे हैप्पी फैमिली ऑफ नंदनकानन का सुखी परिवार। ये है बिना पूछ के बंदर, वाओ। ये है हिप्पोपोटामस। एक मिनट, हाँ बोलिए। मेरी बहन है, पानी के अंदर ज्यादा टाइम रहता है, 22 आवर्स पानी के अंदर, बाहर में 2 घंटा रहता है, 22 घंटा से 2 घंटा, 24 घंटा से 22 आवर्स पानी के अंदर, पानी का बाहर 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा सर। बच्चा पैदा करता है पानी के अंदर, बच्चा माँ से दूध पीता है पानी के अंदर। मतलब हमारा इंसान दूसरा जानवर जैसे जाके माँ निप्पल से डायरेक्ट दूध पीता है, इससे दूध माँ देता नहीं। माँ क्या करता है सर, पानी के अंदर निप्पल से दूध को स्प्रेड करता है, उसका दूध पिंक कलर जेली टाइप का। पानी दूध सर कभी मिलेगा नहीं, पानी का ऊपर रहेगा दूध। बच्चा जो भूख लगेगा बच्चा मैडम दूध को खुद पीते हैं। और उसका वेट मैडम 3.2 टन, 3200 किलो नेचुरल होने के बाद, 3200 किलो। और शाकाहारी घास आलू बीट गाजर वाटरमेलन
रेड ये शाकाहारी प्राणी में सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। तो गाइज अभी हम आ रहे हैं, अंदर में जा रहे हैं रेप्टाइल पार्क, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। चलिए अंदर चलते हैं। ये पहला रेप्टाइल जो कि है किंग कोबरा, खतरनाक है ये। देखिए सांप यहाँ से चल रहे है, देखिए कांच के पास चल रहा है। ये कांच, ये कांच जो सामने है, ये रहा, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये जो कोबरा है अंदर में लेटा हुआ है, और एक यहाँ देखिए ये वाला कोबरा जो जा रहा है, इसे खाना दिया हुआ मुर्गी का बच्चा, ये मुर्गी का बच्चा खाता है, ये देखिए इसका मुर्गी का बच्चा खाना है, ये खाएगा मोटा मोटा कोबरा है, इसका नाम है मोनोक्लेट कोबरा। ये देखिए जो पेड़ के डाली पे जो लपेटा हुआ है वो है इंडियन का रॉक पाइथन, डेंजरस। ये देखिए आप जो अंदर में लेटा हुआ देख पा रहे हैं ना, ये देखिए ये है इंडिया का किंग कोबरा, आप देख भाई ये है किंग कोबरा, डेंजरस, आप सभी को पता है सबसे ज्यादा डेंजरस यही है। ये देखिए ये तो आपने देखा ही होगा, ये है इगुआना जो कि खतरों के खिलाड़ी का सबसे बेस्ट जानवर है, और आपको पता है ये इस साल रोहित शेट्टी ने सबसे ज्यादा रूबीना को दिया था ये वाला जानवर इगुआना, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इगुआना लिखा हुआ है, ये डेंजरस सबसे, एक यहाँ लेटा हुआ है, एक यहाँ लेटा हुआ है, खतरनाक है, और ये देख एक यहाँ बैठा हुआ है, और ये अमेरिका का पेट है, शांत है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन जब किसी को काटता है तो किसी को काट ही लेता है। जो पाइथन है ये रेक्टुकेलेटेड पाइथन है, और ये पाइथन आपको सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड में ही मिलेगा जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत ही हेवी है बहुत। ये है हमारा टॉर्टोइस, इंडियन स्टार टॉर्टोइस, टॉर्टल टॉर्टोइस बीच में फर्क, ये होता है टॉर्टोइस शाकाहारी, पानी में का बाहर रहता है, पानी के बाहर रहता है टॉर्टोइस, ओके, और टॉर्टल मांसाहारी पानी का अंदर रहता है। ये है क्रोकोडाइल, ये दुनिया का सबसे छोटा क्रोकोडाइल है जो कि सबसे ज्यादा पानी में ही रहता है। नहीं सर पानी में नहीं, ज्यादा टाइम पानी में रहेगा तो पानी में रहेगा, ज्यादा ऊपर में रहेगा तो ऊपर में रहेगा। अच्छा दोनों चीजों का टाइम सर रहेगा, उसके लिए उसको ऊपर में से ग्रीन कलर का हो जाता है, ओके, उसको खा के उसको बॉडी साफ करने के लिए मछली छोड़ा हुआ है, लेकिन ये जिंदा, ये मरा हुआ मछली खाएगा, इसी मरा हुआ मछली खाता है, जिंदा मछली नहीं खाता, साफ करने के लिए मछली छोड़ा हुआ है, ओके। ये देखिए ये है एनाकोंडा जो आप देख पा रहे हो, और ये है येल्लो एनाकोंडा एक्चुअली, और इसका जो केजी होता है वो है 25 से 30 केजी का है, आप देख पा रहे हो, और इसका जनरेशन होता है 180 दिन का, 3 से 4 साल मैच्योरिटी है, लाइफ स्पैन इसका 15 से 20 साल है। एक यहाँ एनाकोंडा आपको मिलेगा, देखिए थाईलैंड में इसको मिलेगा, सबसे बड़ा पाइथन ये आपको मिलेगा बर्मा, चीन थाईलैंड सर, जंगल में जो रहेगा बड़ा बड़ा हिरन को शिकार करके खा लेगा, मैंने ये हिरन को भी शिकार कर सकता है, इतना डेंजर है। रेप्टाइल वाला देख के निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं आगे, अब हमारे गाइड जी हमारे को लेके जा रहे हैं। बारिश तो कंटिन्यूस हो रही है, आज लगता है पूरे बारिश में ही घूमना पड़ेगा ये नंदन कानन, और या फिर भुवनेश्वर भी पूरे बारिश में घूमना पड़ेगा। गाइड अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं सफारी के लिए, यहाँ पर मेरे गाइड ने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली, गाइड एक बार फिर से बोला वाला बात, आप सर जू के अंदर आप हो गए आप टूरिस्ट, जानवर जंगल सफर में सर आप जानवर, इन लोग टूरिस्ट आपको देखने के लिए इन लोग आएंगे, ये बहुत बढ़िया बात बोली है। अंदर देखते हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए ये है सफारी बस सर्विस का, ये है सफारी का बस, अभी हम लोग चलेंगे सफारी के लिए, तो ये हमारी सफारी की बस है, अब हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए, जंगल के बीच में आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये हिरन था अभी पीछे में, हम लोग पहले देख लिया है। गाइस आप लोग आगे का रास्ता देख पा रहे हो, ये थोड़ा जंगल है, और यहाँ पर जानवर मिलना किस्मत है। ये देखिए पिकअप, पूरा टाइगर देखिए जंगल के वहाँ पर जा रहा है, ये ब्लैक बक वो देखिए जा रहा है, ये टाइगर है, आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर पूरा टाइगर दिखाई दिया, ये देखिए हिरन घूम रहे हैं, वाव कितना सारा हिरन है यहाँ पर, देवा खाना खा रहा है, एक तो हम लोग को डाइट देख रहा है, एक तो हम लोग को ही देख रहा है,
अभी ये नेक्स्ट गेट खुलेगा, जैसे जोरासी पार्क में खुला था यहाँ पर खुलेगा हम लोग के लिए नेक्स्ट गेट। पीछे में हम लोग पीयर सफारी छोड़ के आए हैं, जो अभी हम लोग बाद में घूमेंगे, पहले हम लोग जाएंगे लायन सफारी की तरफ। ये हम लोग ने गेट में एंट्री कर दिया है, ये देखिए गेट बंद हो रहा है, बंद हो जा सिम सिम, देखो बंद हो गया यार, दिस इज समथिंग यार। ओ हेलो, आपका फ्रेंड हेलो हेलो, हाउ आर यू, ये देखो लाइव देखना गाइस सबसे बड़ी बात है, क्या बढ़िया बात है, ये वी कैन से ड्रीम कम ट्रू, क्या जब हम लोग ये सफारी करते हो तो ये चीज देखने आपको मिलती है, ये एक्सपीरियंस आप सभी को करना चाहिए और आप लोग सभी को नंदन कानन एक बार आना ही चाहिए, दिस इज समथिंग विच इज फैंटास्टिक। जंगल आप देख पा रहे हो, वाओ क्या बात है यार, भालू आगे हम लोग के सामने देखिए, वो पीछे भालू है, आ हा वो देखिए भालू है वहाँ पर, देखिए आपको दिखाई दे रहा है भालू, दो तीन तीन चार सारे वहाँ पर देखिए भालू दिख रहा है, वो देखिए काला वाला। आप सब भी एक बार जरूर नंदन कानन आइए, आप देख पा रहे हैं हम लोग पूरा जंगल के बीच से जा रहे हैं। आज हमने यहाँ पर शेर देखा, टाइगर देखा, भालू देखा, हिरन देखा, पीकॉक देखा, ये वाइल्ड लाइफ में जितने भी जानवर थे मैंने सभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाए हैं। अभी वो देखिए भालू घूम रहा है अंदर में, अब वो ये देखिए ये कोशिश कर रहा है घुसने का लेकिन ये घुस नहीं पाएगा। अरे वो कोशिश कर रहा है तो घुसने का लेकिन घुस नहीं पाएगा। ये देखिए ये है ब्लैक बग, यही है ब्लैक बग जिसके पैर व्हाइट है, देखिए ये आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए गाइस डियर भी आ गया यहाँ पर, पीकॉक भी बहुत ज्यादा मिले हैं यहाँ पर, ये देखिए बैक ब्लॉक, ये बहुत रेयर है। वेलकम बैक गाइस, तो हम लोग सफारी देख के आ चुके हैं आपके सामने, ये देखिए, ये देखिए जिराफ, वो देखिए देखा आपने टर्टल्स। अब हम लोग देखेंगे व्हाइट टाइगर, पूरा व्हाइट टाइगर, ओ माय गॉड, ओ ये देखिए वर्ल्ड मिलेगा नहीं, स्पंदन बसु, स्पंदन बसु, ये स्पंदन बसु है, ये स्पंदन बसु है, उसका बाबा इंडियन, मामा सॉरी बाबा फॉरेनर, मामा इंडियन, बच्चा हो गया नाइजीरिया, वेस्ट इंडीज, मतलब ब्लैक टाइगर, बाबा व्हाइट टाइगर, मामा बंगाल है, बच्चा हो गया ब्लैक टाइगर। सफारी में यही देखा, सफारी में यही देखा था, यही देखा ना, यही कलर का टाइगर देखा, ये कलर का टाइगर देखा था, वो तो खुले में है, यहाँ आ गया वो, ऐसा नहीं, ये होता है सिंजा वाला टाइगर, वो रहा देखिए व्हाइट टाइगर घूम रहा है, वो व्हाइट टाइगर घूम रहा है, देखिए वो देखिए व्हाइट टाइगर है, वो देखा आ रहा है, अरे व्हाइट टाइगर देख, वो रहा वो रहा वो रहा, गेट की ये झाड़ के पीछे है, वो देखो व्हाइट टाइगर आ गया, वो इन दोनों के पापा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे, बुढ़े हो गए हैं, ओके वो देखिए व्हाइट टाइगर, वो देखिए ये देखिए व्हाइट टाइगर है, ये देखिए व्हाइट टाइगर, टाइगर गुलो। अब हम जा रहे हैं एलिफेंट देखने के लिए, अब बात है क्या एक्सपीरियंस है, दिस इज अ नेचुरल एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, यू मस्ट विजिट नंदन कानन सेकेंड लार्जेस्ट एशिया जू, एक बार तो आना बनता है। सामने में हम लोग आ चुके हैं एलिफेंट की जगह में, चलिए वो देखिए एलिफेंट।
ये देखिए एलिफेंट, क्या बात है, साफ सुथरी जगह में रखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कितना नीट एंड क्लीन है। देखिए आप, लंगूर हमारे साथ है जो हम लोगों को गाइड कर रहे कि यहाँ यहाँ से जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, लंगूर हम लोगों को बता रहा है, वो देखिए। देखिए लंगूर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर गाछ में। ये है 15 महीने का बेबी टाइगर, ये 15 महीने का बेबी टाइगर है। अब देखते हैं हमारे यहाँ पर जो गाइड है वो क्या बोल रहे हैं। हाँ गाइड सर बोलिए, ये जो है मेघा बोल के टाइग्रेस है, उसको ना उसके वजह से एक मतलब जंगली पूरा पूरे जंगली जंगल से उठा उठ के आ गया था एक तो टाइगर। 18 फुट बाउंड्री पार कर गया था, 18 फुट बाउंड्री पार कर गया था, सोचो कितना जंप किया होगा वो 18 फुट। मैडम जंगली टाइगर हमेशा मतलब खतरनाक होता है, मैडम इन लोग का शिकार करना नहीं, जंगली टाइगर मैडम सब करता है। सर आइए देखेंगे जो जिस टाइगर का आकर्षण में आ गया था टाइगर मेघा, अभी मेघा को देखेंगे। चलिए हम लोग मेघा को देखते हैं। मेघा रे मेघा रे मेघा रे मेघा रे मेघा का बाबू है ये, सोहिनी है मैडम, सोहिनी है ये बच्चा, मेघा का बच्चा है ये सोहिनी, बेटा बहुत छोटा है। अपने मम्मा को देख रहा है, मम्मा को देख रहा है अपने। आइए हम लोग चलिए इसकी मम्मा को देखते हैं। अलग हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं मेघा और नंदन का पहला बेटे से मिलने, जो है टाइगर बाहुबली। टाइगर बाहुबली, वाह यार टाइगर में भी बाहुबली है। देखिए पीकॉक अभी हम लोग देख पा रहे, तो पहले मैं पीकॉक को कवर कर लेता हूँ। ये है बाहुबली टाइगर जो कि उदास बैठा हुआ है, महेशमती का बाहुबली। ये देखिए लेपर्ड, जिसका ये था ओ ये तो हाँ सामने बैठा हुआ है, बोलिए। ये देखिए वो बैम्बू के जो वो देखिए डियर बैठा हुआ है, वो देखिए मूवमेंट। हम लोग आए हैं नंदन कानन के एक स्पेशल सीक्रेट जगह में, नहीं आता है ये, ओपन है, ओपन भालू। देखिए पहले मैं आपको भालू दिखा दूं, ओपन भालू। अभी आगे चलेंगे हम लोग, यहीं से शुरुआत हो चुकी है सीक्रेट प्लेस की, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है सिवाय हमारे। मैं इस गाइड का नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप जब भी आए आप इन गाइड से बात करके आप इनके साथ घूमे। बहुत ही अच्छे से इन्होंने घुमाया है, आपकी सुरक्षा इनके हाथ में है। यहाँ पर आपको तरह तरह के वल्चर, ये देखिए वल्चर है ये, वो देखिए वल्चर को, वो देखिए क्या डेंजर है, देखिए ओ भाई साहब कितना डेंजर है। देखिए हम लोग देखिए बारिश बहुत हो रही, ये सीक्रेट प्लेस है। यहाँ पर देखिए ये कितना सुंदर प्लेस है सब, ऐसे देखे वो देखिए ओपन तोता उड़ रहे हैं यहाँ पर, वो देखिए ये देखिए इंडोनेशिया, ये देखिए इतना सारा पैरोट ओपन है, कोई भी केज पे नहीं है। ये है सीक्रेट प्लेस यार, ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा नंदन कानन का सीक्रेट प्लेस। येलो ओ देखिए येलो, वाओ माने ये बहुत ही बढ़िया यार, दिस इज अ नाइस एक्सपीरियंस। वो देखिए पीकॉक का बेबी, पूरा व्हाइट पीकॉक, व्हाइट पीकॉक है। ये देखिए तोता है, खाओ 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 खाओ। देखिए चाइनीज बत्तख, चाइनीज बत्तख खा लो। वो देखिए हेन, चाइना का हेन है, वाजी वाह। ये देखिए सिल्वर मुर्गी है, ये सिल्वर पिजन है। मैडम जगह कैसे लगा? सुंदर है।